सर मैं अद्वैता वेदांता के व्यू पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि रमणा महर्षि ने दिया था। शायद ओके आपने पता नहीं सुना होगा उनका नाम या नहीं। जी तो सर वो एक तरह का सोलिप्सिज्म ही है। आप अद्वैत वेदांत को मानते हैं? कह सकते हैं 99%। ओके ठीक है, तो आप सोलिप्सिज्म को मानते हैं? मैं रमणा महर्षि का जो व्यू पॉइंट है उसको मानता हूं, जो कि सोलिप्सिज्म ही है एक तरह से। तो आप एक सोलिप्सिस्ट हैं? वैसे मुझे इतना नहीं पता, सोलिप्सिस्ट का यही है ना कि एक ही माइंड है, यही है ना, यही होता है ना उसका मतलब। नहीं, सोलिप्सिस्ट का मतलब है कि आप एक ही माइंड हैं, आपके अलावा कुछ और एग्जिस्ट नहीं करता। तो ठीक है सर, सोलिप्सिज्म को एक साइड रखते हैं, मैं रमणा महर्षि का करता हूं। ठीक ठीक है, है, बताइए। तो सर रमणा महर्षि ये कहते हैं कि एक ही चीज है, वो है कॉन्शियसनेस। ठीक है, उस कॉन्शियसनेस में पैदा होती है ईगो, और वो ईगो भी एक ही है। ओके जैसे हम बोल देते हैं ना जीवात्माएं हैं, ठीक है, तो प्लूरल में नहीं है, वो एक ओके है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर एक ही ईगो है, एक ही कॉन्शियसनेस है, तो इसको हम डिसप्रूव नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? नहीं कर सकते सर। प्रूव आप ये बोल सकते हैं कि प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन आई नहीं थिंक नहीं डिसप्रूव भी नहीं कर नहीं सकते। वैसे तो देखो, पहली बात तो ये है कि जस्ट बिकॉज किसी चीज को डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता, उसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। राइट? बिल्कुल यू बिल्कुल, अग्री? मैंने सुना है आपका ये आर्गुमेंट। राइट। सो दूसरी बात ये है कि मैं और आप एक ईगो नहीं है। क्या आप इस समय अपने आप से बात कर रहे हैं? सर ठीक है, ये अब जो कंफ्यूजन पैदा होता है ना कि अपने आप से बात कर रहे हैं, ये इसलिए पैदा होता है क्योंकि टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेज हैं यहाँ पे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि टू लेवल्स ऑफ रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, नहीं तो अब नहीं नहीं हम नहीं होल्ड ऑन होल्ड ऑन, आप कहीं और जा अच्छा रहे हाँ हो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कहते हो कि कॉन्शियसनेस एक ही है, तो क्या आप ये जी कह रहे हो कि आपकी कॉन्शियसनेस और मेरी कॉन्शियसनेस एक ही है? जी बिल्कुल, तो इस समय आप अपने आप से बात कर रहे हो? मैं वही वहीं पे आना चाह रहा हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है सर, ओके ओके तो टू लेवल्स ऑफ रियलिटीज हैं। एक है ट्रांजेक्शनल रियलिटी, जहां पे हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। एक है अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है, जो कि कॉन्शियसनेस है। ओके तो बात ये है कि अगर हम अब इसको ड्रीम एनालॉजी जो होती है ना, उससे ही वो समझाते हैं। जैसे अगर अब मान लो अभी ये ड्रीम चल रही है, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये मान लो ये ड्रीम आपकी है, मेरी नहीं है, ठीक है, तो आप मेरे से ड्रीम में क्या पूछेंगे कि ये कॉन्शियसनेस दो है या एक है, किसकी क्वेश्चन हो जाता है कि ड्रीम हेलो में। मोहित, आपकी ऑडियो थोड़ी सी कट रही है। हाँ, दोबारा बोलिए पिछला सेंटेंस। सर अगर हम ड्रीम ऐसे सपोज करें कि अभी हम एक ड्रीम में हैं, और अगर आप मुझसे ड्रीम में ये क्वेश्चन पूछते कि क्या तुम अपने आप से बात कर रहे हो, तो क्या उस क्वेश्चन का कोई मतलब होता? ड्रीम में जरूर होता, नहीं, ड्रीम में जरूर आपका होता। सी भैया, देखो ड्रीम में रूल्स नहीं होते। ड्रीम में मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या आप अपने आप से बात कर रहे हो, पर हो सकता है बिल्कुल ना भी पूछना। हो सकता है ड्रीम में आप मेरी बॉडी का हिस्सा हो, या एक घोड़े हो, या कुछ और। नहीं, मैं वही इसलिए तो आपको सपोज करने को बोल रहा हूँ कि अगर मान लो मैं आपसे ड्रीम में बात कर रहा होता और आप ये क्वेश्चन मेरे से ड्रीम में पूछते, तो क्या इसका कोई मैं बोल रहा मतलब हूं कि होता अगर मैं क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन ड्रीम में पूछता, में? तो मुझे जवाब में क्या मिलेगा ये जानने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। कोई एक्चुअल मतलब ये नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि मैं अगर किसी को पानी मांगूंगा तो वो मुझे पानी देगा इन द रियल वर्ल्ड, जी, पर मैं ड्रीम के बारे में ऐसा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता, क्योंकि ड्रीम में कुछ भी हो सकता है। सर बात ये है कि आपको आंसर जो भी मिलता चाहे नहीं मिलता, मैं सिर्फ क्वेश्चन पे ही बात कर रहा हूं अभी, कि क्वेश्चन वो मीनिंगलेस है एक ड्रीम के अंदर। ड्रीम के अंदर नहीं, आई अग्री, पर मैं ये मतलब कह रहा हूं ये, कि आप ये कह रहे हैं सॉरी कि वो सॉरी, ड्रीम क्वेश्चन ड्रीम के अंदर मीनिंगलेस है। मैं ये कह रहा हूं कि एट के अंदर मीनिंगलेस दिस नहीं है, जब आप ड्रीम से उठते हो तब मीनिंगलेस हो जाता है वो क्वेश्चन, क्योंकि वो आप अपने जो प्रोजेक्शन ऑफ माइंड थी उसी से बात कर रहे थे। वो आप ड्रीम के अंदर जब बात किसी से देखो देखो करते हो सुनो आप, सुनो सुनो सुनो, आप जी ड्रीम और वेकिंग रियलिटी को इक्वेट कर रहे हो ना? जी बिल्कुल, मैं क्योंकि नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उनमें फर्क है।
जी वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी बताओ क्या फर्क है सर। फर्क यह है कि जब वेकिंग रियलिटी होती है उसमें कंसिस्टेंसी होती है, उसमें कुछ रूल्स होते हैं जो कि टूटते नहीं हैं, और उन रूल्स ड्रीम के अंदर आप ऐसे रूल्स पर रिलाय नहीं कर सकते, पर वेकिंग रियलिटी में आप उन रूल्स पर रिलाय कर सकते हैं। ओके सर, लेकिन सर रूल्स पर रिलाय करना, एक मान लो वेकिंग स्टेट जो है उसमें अगर रूल हैं भी ठीक है, तो इससे ये सिद्ध थोड़ी हो जाता है कि सर वो वेकिंग रियलिटी भी एक अल्टीमेट रियलिटी हो सकती है। अल्टीमेट रियलिटी से आपका मतलब क्या है? मुझे पता है, मेरा कहने का मतलब है कि वेकिंग रियलिटी कैन स्टिल बी एन इल्यूजन आई थिंक इवन इफ देयर आर रूल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले याद दिलाया था, जस्ट बिकॉज समथिंग कैन नॉट बी डिसप्रूवन डज नॉट मीन इट इज रियल। मुझे पता है कि फिजिकल रियलिटी एग्जिस्ट करती है, मैं फिजिकल रियलिटी के साथ इंटरेक्ट करता हूँ और वो कंसिस्टेंटली मुझे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देती है। मेरे लिए रियलिटी का मतलब बस इतना ही है। ये जो सर, जब आप ड्रीम में होते हो तब भी आपको मुझे सेंटेंस खत्म करने दीजिए। ओके ओके, जब आप कहते हैं कि इस रियलिटी के बियॉन्ड कुछ है, अल्टीमेट रियलिटी या और उसके कंपैरिजन में ये रियलिटी ड्रीम हो सकती है, मेरे पास इस चीज को ट्रू मानने का कोई कारण नहीं है। क्या आपके पास कोई भी सबूत है ये कहने के लिए कि इस रियलिटी के बियॉन्ड कुछ है? इस रियलिटी के बियॉन्ड कुछ है ये मेरे लिए, ये मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं इस बेस पे कह सकता सर, मैं इस बेस कर रहा हूं, मैं वही पॉइंट आउट कर रहा हूं कि आप जो चीज कह रहे हैं वो एक इंटरेस्टिंग मेंटल एक्सरसाइज है, राइट? जी, उससे ज्यादा कुछ है या नहीं जानने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है सर। इसीलिए तो ड्रीम एनालॉजी दी जाती है ना सर, समझने के लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। देखो, अगर आप कोई ऐसा क्लेम कर रहे हैं जिसकी सत्यता को स्थापित करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, तो एनालॉजी किस काम में आने वाली है? एनालॉजी मुझे बस एक ही चीज करेगी और वो बताएगी कि आप जो चीज कह रहे हैं आप उसको ज्यादा साफ साफ तरीके से समझा पाए, एंड दैट यू डूइंग राइट, पर वो सच है या नहीं ये जानने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है सर। ठीक है सर, वो कॉन्शियसनेस पे इसलिए बोलते हैं कि वो हमारा एक ऐसा एक्सपीरियंस है कॉन्शियसनेस जो कि ऑलवेज रहता है, ठीक है? बाकी कॉन्शियसनेस वो बोलते हैं कि जो भी चीज जो ट्रू हो सकती है ना अल्टीमेट सेंस में, वो वही हो सकती है जो अनचेंजिंग हो, इटर्नल हो। तब तो कोई भी चीज ट्रू नहीं है। वो बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस कभी भी नहीं जाती, कॉन्शियसनेस हमेशा आपके एक्सपीरियंस में है। कॉन्शियसनेस तो जाती है, जब मैं सोता हूं तो वो जाती है, जब मैं मर जाता हूं तो वो जाती है। जब आप मर जाते हैं सर, आप अभी मरे तो नहीं है ना, आपने कभी अपने आप को एक्सपीरियंस किया है कि आप मर गए और आपकी कॉन्शियसनेस चली गई है? नहीं, पर मैंने दूसरे लोगों को मरते हुए देखा है और उसके बाद वो लोग एग्जैक्टली वो आपकी ड्रीम में है ना सर, दूसरे लोग नहीं, वो मेरी ड्रीम नहीं है, मैं रियलिटी में लोगों को मरते हुए देखा है भैया। सर मैं इसको भी ड्रीम बोल रहा हूँ, रमणा महर्षि के अनुसार। मुझे पता है आप बोल रहे हैं, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे पता है आप बोल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास उस कथन को एक कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ मानने का कारण नहीं है। कारण सर इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उस पे इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। कैसे करें इन्वेस्टिगेट? तरीका बताओ कैसे इन्वेस्टिगेट करें सर। साइंस में भी जब हम किसी चीज को पता करते हैं तो हम उस चीज पे अटेंशन करते हैं, उस पे फोकस करते हैं एंड इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है सर? और बहुत तो रमणा महर्षि ने, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कॉन्शियसनेस पर रिसर्च की है, अभी भी चल रही है न्यूरो साइंस में, और ऐसे लोग हैं जो कि स्लीप पर रिसर्च करते हैं क्या जी, बट दे हैवंट फाउंड एनीथिंग कंक्लूसिव रिगार्डिंग कॉन्शियसनेस। हैज रमणा महर्षि फाउंड समथिंग कंक्लूसिव? ही सेज यू आर द ओनली वन, यू इन्वेस्टिगेट। I know what he says. Yes, saying, yes. Has he found it to be conclusive? How did he find it yes. to be conclusive? He says it's his experience that he is only consciousness and everything else is consciousness. Abhi agar main aapko bolunga ki it is my experience that you don't exist, will I be correct? No. Then how is that conclusive? Because you have not realized the self. No, sir. Aapne realization nahi kiya na. Mohit, जब हम किसी चीज को कंक्लूड करते हैं उसका मतलब होता है कि हमारे पास सफिशिएंट ग्राउंड्स है उस चीज को ट्रूथ मानने के लिए, राइट? जी जी, ऐसा सिर्फ साइंस में हो सकता है सर, बिकॉज़ साइंस में, सुनिए ना, एक थियरी बनाना कंक्लूसिव नहीं है, उस थियरी को सच साबित करने के लिए कुछ और स्टेप्स होते हैं।
जी वही स्टेप्स में बता रहा हूँ। वो बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेट करिए अपने अंदर, ठीक है, सेल्फ में आप क्वेश्चन कीजिए हु एम आई, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे आप वो करते जाएंगे ना, तो आपको आपको जो प्योर अवेयरनेस है ना, प्योर अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस की डेफिनेशन ये है कि इट इज ओनली अवेयर ऑफ इट सेल्फ एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो वो अलग होती जाएगी जैसे जैसे आप, आपको इसको मेडिटेशन बोल रहे हैं लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, इसको सेल्फ इंक्वायरी भी बोलते हैं, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं। तो जैसे जैसे बात कर रहे हैं मोहित, आप मेडिटेशन की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अगर मैं मेडिटेट करूंगा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचूंगा कि प्योर कॉन्शियसनेस के अलावा कुछ और एग्जिस्ट नहीं करता। जी जी। पर मेडिटेशन जब मैं नहीं कर रहा हूं तब मैं इस दुनिया को देखता हूं और मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि कॉन्शियसनेस सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो कि कॉन्शियस बीइंग्स की प्रॉपर्टी है। जी, दैट इज व्हाई दे कॉल इट माया। दुनिया की रियल, नो यू कैन कॉल इट माया बट इट इज प्रीटी रियल। We can detect it, we can interact with it. You're it is as real right now to talk as to the me. dream. मतलब dream में भी हमें वो dream real ही लगती है जब तक हम उठते नहीं हैं। You are calling it a dream, but you have not given me any reason to think that it is unreal. Sir, अगर आप dream में, अपनी dream में किसी से ये argue करें कि आप मुझे ये सबूत नहीं दे रहे कि ये dream है, तो क्या वो आपको सबूत दे पाएगा dream के अंदर? नहीं, कभी भी नहीं दे पाएगा। मैं तुमको बोल चुका हूँ ड्रीम में और रियलिटी में क्या फर्क होता है, कंसिस्टेंसी। लेकिन सर, अगर मैं ड्रीम में किसी से पूछूंगा, अगर मैं ड्रीम में किसी से कोई सवाल पूछूंगा तो हो सकता है मुझे जवाब दे दे, पर ये भी हो सकता है कि वो चिड़िया बन के उड़ जाए। रियलिटी में वो नहीं होता, वो या तो जवाब देगा या तो जवाब नहीं देगा, पर इन बोथ केसेस ही विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कंसिस्टेंट रूल्स ऑफ रियलिटी। सर, ड्रीम में भी कंसिस्टेंट ही होते हैं रूल, वो तो उठने के बाद आप बोलते हैं ना कि मैंने खंभा देखा। सर, मेरी एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, जब आप उठते हो ड्रीम से तभी बोलते हैं ना कि इट वाज नॉट कंसिस्टेंट। ड्रीम के अंदर थोड़ी बोलते हो आपकी ये कंसिस्टेंट नहीं है। नहीं, कई बार होता है ऐसे। हैव यू हर्ड ऑफ लूसिड ड्रीमिंग? यस, आई हैव हर्ड सर। सो देयर आर पीपल हु रियलाइज दैट दे आर ड्रीमिंग व्हेन दे आर ड्रीमिंग। हाँ, तो इसमें दो सिनेरियो है सर। पहली बात तो अभी हम लूसिड ड्रीम की बात नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन अगर आप कर भी रहे हो, ठीक है, तो ठीक है, ये एक पॉइंट है जो मैंने भी सोचा है कई बार, ठीक है। और इसमें मैं भी सोचता हूँ कि लूसिड ड्रीम में, तो मेरे साथ भी कई बार हुई है लूसिड ड्रीम, बहुत बार नहीं, लेकिन मैं उसको शायद इस तरह से जस्टिफाई कर सकता हूँ कि जो इधर भी चमत्कार होते हैं, मान लो वेकिंग ड्रीम में जो साधु संत वगैरह करते हैं, वो भी सम टाइम आई थिंक व्हेन यू सब्जेक्ट देम टू द रूल्स ऑफ फिजिक्स दे टर्न आउट टू बी यू नो स्कैम्स। मुझे एक जेम्स रैंडी फाउंडेशन है, उन्होंने कई सालों से $1 million का प्राइज रखा हुआ है कि कोई एक आके कोई मेरे करके दिखा दे, आज तक किसी ने उस पैसे जी, वो भी मैंने सुना। जी जी जी। तो शायद ये एक पॉइंट है हमारे पास। मैं एक चीज बोलूं, शायद ये एक पॉइंट है जिसमें शायद मैं आपको नहीं मतलब वो कर सकता। मोहित 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 मोहित, एक चीज बोल दो। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि मिरेकल्स होते हैं और कुछ लोग उन मिरेकल्स पे विश्वास करते हैं, पर हमने आज तक जब भी मिरेकल्स को टेस्ट किया है, हमने ये पाया है कि वो मोस्टली एक्सप्लेनेबल होते हैं थ्रू नेचुरल रीजंस। ड्रीम्स में जो होता है वो एक अलग लेवल की चीज होती है। वहां पे तुम सपोज आपके फैमिली मेंबर कोई है, आपके पिताजी हैं, आप उनको ड्रीम में देख सकते हैं और वो घोड़े बन सकते हैं। दैट्स नॉट मिरेकल्स, फ्लूइड रियलिटी। जी जी जी, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हम लेकिन क्वेश्चन नहीं करते उस चीज को ड्रीम के अंदर ना। मैं बस यही बोलना चाह रहा था कि हम उस उठने के बाद जरूर हम क्वेश्चन करते हैं और हमें पता चल जाता है कि इट वाज अनरियल। तो रमणा महर्षि ने भी यही बोला है कि जब आप सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हैं ना मोहित, उठने के बाद हमें सिर्फ ये याद नहीं रहता कि हम ड्रीम कर रहे थे, सोने से पहले क्या हुआ था हमें वो भी याद रहता है और उसके साथ हम कंसिस्टेंटली डील कर पाते हैं। ये तो सर इजीली रिबट वो है, मतलब इजीली इसको मैं बोल सकता हूँ कि रिफ्यूट कर सकता हूँ कि यू कैन से कि एक लॉन्गर ड्रीम है, बस एक लॉन्गर ड्रीम जिसके अंदर हम दूसरे ड्रीम्स कर रहे हैं। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं आप। ओके, सो टेल मी दिस, इज देयर एनीथिंग कॉल्ड वेकिंग अप और इज इट ड्रीम्स? हाँ, वेकिंग अप इज रियलाइजेशन ना, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं। सो हाउ डू यू कम टू द कंक्लूजन दैट दैट इज नॉट आल्सो अ ड्रीम? बिकॉज सर, उसमें ड्रीम में सर मल्टीप्लिसिटी होती है ना सर, उसमें मल्टीप्लिसिटी नहीं रहेगी, उसमें सिर्फ आपको ये पता चल जाएगा कि एक ही चीज है और वह मैं हूँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। आपने उस स्टेटस को एक्वायर किया है?
सर वही तो बात है ना सर, उसके लिए तो मेहनत लगती है ना सर फिर। हाँ तो हो सकता है मेहनत ना मतलब ये लगती एक हो, मैं हो ये सकता है, मैं हो 100% सकता डिक्लेयर है नहीं कर रहा कि ये सच बोल रहा हूं मैं और रमणा महर्षि सच है, आप लेकिन मुझे, हाँ मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं आपको इट्स कुछ अ ब्लेम नहीं कर रहा, पॉसिबिलिटी बिकॉज इट इज आवर नो एवरीडे नहीं एक्सपीरियंस। मोहित, मुझे पता है कि आप ये क्लेम नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है आप किसी और की थियोरी को रिपीट कर रहे हैं, पर जी यू कैन नॉट से इट इज अ पॉसिबिलिटी, यू कैन से दैट यू डोंट नो एंड दैट समवन हैज सेड दिस, बिकॉज अगर आप सिर्फ इस बेसिस पे हाँ किसी के कथन को सच मान लेंगे कि उन्होंने कहा था, तो कोई और आके आपको कुछ और कह देगा और आप उसको कैसे मना करेंगे? सर, मैं पहले नास्तिक एग्नोस्टिक ही था बहुत टाइम तक, ठीक है सर। तो जब मैं भी ऐसे इजीली सेटिस्फाइड नहीं होता था, मैं ये क्वेश्चन करता था अगर गॉड है कि तो फिर ये इतना दुख क्यों है संसार में, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, गॉड सामने क्यों नहीं आता, ये वो। लेकिन जब मैंने ये पढ़ी है तो मतलब बहुत हद तक मैं बोल सकता हूँ कि मैं सेटिस्फाई हो चुका हूँ। हाँ मैं इसलिए बोल थिंक इट सकता इज हूँ कि ये बिकॉज एक इट्स फ्रॉम योर पॉसिबिलिटी है। कल्चर, डू यू थिंक इट्स बिकॉज ऑफ योर ओन कल्चरल बैकग्राउंड? क्योंकि ऐसे मुसलमान होते हैं जो कि नास्तिक होते हैं, फिर कुरान पढ़ते हैं, फिर रियलाइज करते हैं कि उसमें लिखा हुआ सब कुछ सच है, सर एज ए एक्चुअली मैं क्रिश्चियन होते हैं जो शुरू कि से नहीं एथिज्म था छोड़ के फिर से नास्तिक, क्रिश्चियन बन मैं जाते शुरू से हैं। नहीं था नास्तिक, मैं पहले भगवान में बिलीव करता था बहुत टाइम तक। हाँ तो ये स्टोरी फिर भी दूसरों पर मैं अप्लाई होती है, ऐसे कई लोग हैं। सी थिंग इज, मैं हमेशा सस्पिशियस इस बात को लेके होता हूँ कि कई बार धार्मिक लोग जो कि कहते हैं कि नहीं मैं पहले नहीं था, फिर मैं नास्तिक बन गया और फिर नाउ आई रियलाइज कि दिस ऑल मेक सेंस, ये काफी कॉमन स्टोरी है, इसमें कुछ खास सर नहीं है मैं वैसे सब्सटेंशियल। आपको बता देना ऐसा चाहता हूं कि मुसलमानों के साथ पहले हुआ है, क्रिश्चियंस के साथ हुआ है, जो लोग लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं फिर उनको रियलाइज होता है कि नहीं, मेरा धर्म हमेशा से सही था। तो ये बस आपके साथ हो रहा है, आप घूम फिर के उसी किसी सर प्रकार के सो कॉल्ड हिंदू मैं सिर्फ विचारधारा में लौट आए हैं। हिंदू विचारधारा में इसलिए मैं आ रहा हूं सर क्योंकि ये आप जैसे बोल रहे थे ना कि ये पॉसिबिलिटी, आप ये नहीं बोल सकते कि ये एक पॉसिबिलिटीज है क्योंकि कई सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो आप ठीक है ना, आपने जैसे आपके कंफ्यूजन में पिछले नहीं बोल आर्गुमेंट मैंने सकते सुने आप। हैं, आपके मैंने पिछले आर्गुमेंट सुने हैं कि मतलब वहां पे कोई वो है कि कैटल वाला आर्गुमेंट भी देते हैं कि वो चला रहा है पूरे संसार को, आपको अगर ऐसा बोल देंगे तो। ऐसा कहीं मैंने सुना था, पता नहीं आपसे सुना है या पता नहीं कहाँ से सुना है। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारा एवरीडे एक्सपीरियंस है, क्योंकि कोई भी चीज बिना कॉन्शियसनेस के हम एक्सपीरियंस कर नहीं सकते, पहली मैं बात इस तो। बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि आप कॉन्शियसनेस को एवरीडे एक्सपीरियंस करते हैं, मैं आपके इंटरप्रिटेशन को एब्सोल्यूट कंक्लूसिव सच मानने से इनकार कर रहा हूँ, क्योंकि उसको एब्सोल्यूट कंक्लूसिव एब्सोल्यूट सच सच तो मानने मैं भी नहीं से। बोल रहा सर। तो अभी क्या हुआ, आप अभी ने आपने कहा था आप एग्नोस्टिक हुआ करते थे, पर आप अब आप मानते हैं? मैं 99% बिलीव करता हूं क्योंकि ये मेरा जैसे मैंने बोला ना कि एवरीडे एक्सपीरियंस है। कॉन्शियसनेस को हम छोड़ ही मुझे नहीं ये सकते सर बताइए, बिना कॉन्शियसनेस के। मुझे ये बताइए कि 99%, मुझे ये बताइए 99% 99% कहाँ था? इसलिए क्योंकि मैंने रियलाइजेशन नहीं किया अभी तक। जिस दिन रियलाइजेशन हो जाएगी सर उस दिन मैं 100% हो अच्छा तो जाऊंगा। रियलाइजेशन का उतना बड़ा रोल नहीं है, मतलब रियलाइजेशन का रियलाइजेशन बस 1% है, बाकी से 99% हो चुका है आपका। हाँ मतलब रीजनिंग जो है ना सर, इंटेलिजेंस जो लॉजिक मतलब रीजनिंग बुद्धि जो आपकी बोलते सर, हैं आपकी कि रीजनिंग वो जो कि आपको फ्लॉट एक है, एक लेवल तक लेके जा सकती है क्योंकि मोहित माइंड मोहित हमेशा डुअलिटीज में मोहित काम करता है। मोहित मोहित, ये कॉल काफी लंबा हो गया है, जी मैं किसी और को लेना चाहता जी हूँ, बिल्कुल बट इट वॉज सर आप ग्रेट ले फन सकते टॉकिंग टू यू। मुझे लगता है कि अगर मैं आपको एक चीज जाने से पहले बोल सकूं, तो आप बैठ जी। के ना लिस्ट बनाइए, एक तरफ लिखिए ड्रीमिंग, एक तरफ लिखिए नॉट ड्रीमिंग, मतलब ये वाली रियलिटी जी जिसमें आप अभी हैं, जी और फर्कों जी की लिस्ट बनाइए कितने फर्क हैं, मे बी आपकी रीजनिंग इसकी वजह से थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सर मुझे तो ठीक वैसे है, कोई फर्क नजर नहीं आता। जैसे आप रूल्स की भी बात करते हैं इसलिए ना तो कि बोल रहा यहाँ हूँ पे बैठ कॉन्क्रीट, के लिस्ट बनाओ, आप उसके बारे मैंने में, सर बहुत आप सोचा है, मैं पिछले 4 साल से सोच रहा हूँ इसके ऊपर। आपको कोई भी फर्क नजर नहीं आया? मैंने इसको तोड़ने के लिए, मेरा भी साइंटिफिक माइंड है सर, मैंने तोड़ने के लिए बहुत कोशिश की है, ठीक है। एक मोहित एक ही पॉइंट मोहित मुझे जो नजर आया था लूसिड मोहित, ड्रीमिंग अगर वाला आप एक जो आपने बोल सोलिप्सिस्ट दिया। हैं, अगर आप एक प्रकार के सोलिप्सिज्म की बात कर रहे हैं, तो आप जी साइंटिफिक नहीं हैं। हाँ आप एक तरह से बोल सकते हैं क्योंकि साइंस जो है वो ऑब्जर्व्ड जो चीजें होती है ना सर उन्हीं पे ही अपना एक्सपेरिमेंट कर सकती है, ऑब्जेक्टिव हाँ रियलिटी। लेकिन ये है सब्जेक्टिव रियलिटी सर, इस नहीं, ये पे सब्जेक्टिव आप कभी रियलिटी कुछ किसी को होता नहीं प्रूफ है, दे भी नहीं सब्जेक्टिव सकते। रियलिटी कुछ नहीं होता, वो इज जस्ट ओपिनियंस। सब्जेक्टिव रियलिटी बोल के हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बगल में किसी और चीज को खड़ी कर दें, वो ऐसा एक्चुअली कुछ होता नहीं है, इट्स जस्ट ओपिनियंस, किसी ने कुछ कहा और सर हमने मान लिया। ऐसा होता तो है, ये तो आपका एवरीडे एक्सपीरियंस है सर, आप ऑब्जर्वर हो एक, मेरा आप नहीं एवरीडे मना अच्छा कर ठीक है, सकते। ठीक है
मैं तुमको बताता हूँ कि मेरे मैंने बहुत मेडिटेट किया और फिर मैंने पाया कि द अल्टीमेट रियलिटी इज दैट रमण महर्षि वाज रॉन्ग। लेकिन सर ये कंसिस्टेंट नहीं होगी ना, आप अब जो रमण महर्षि बोल रहे हैं ऐसा बोलने वाले आपको हजारों संत मिल जाएंगे सर। प्रूव करो मुझे, प्रूव करो कि माय डीपेस्ट मेडिटेटिव स्टेट गिव मी एन आंसर दैट डज नॉट मैच विद योर्स। हाउ विल यू टेल आपको सर एक ऐसी मतलब आपकी जो इंटेलिजेंस को भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना सर, ये चीज आपकी नहीं कर रही मुझे ना। तो रमणा महर्षि वाली चीज ने आपकी इंटेलिजेंस को कैसे सेटिस्फाई किया? आपने तो वो एक्सपीरियंस भी नहीं किया, आपने बस किसी से कहानी सुनी है। सर वो मैं इसलिए बिलीव करता हूँ कि मैंने आपको बोला है कि वो एवरीडे एक्सपीरियंस है, कॉन्शियसनेस के बिना आप एक भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते सर। एग्जिस्ट करती है, इससे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर आप जो इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आप यू गो फ्रॉम आई एम कॉन्शियस टू एवरीथिंग इज कॉन्शियस टू कॉन्शियसनेस इज द ओनली थिंग दैट देयर इज, ये बहुत बड़ा जंप हो जा रहा है एंड आई थिंक यू नीड मोर रिगरस थॉट अबाउट दिस।